हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि क्या चलेगा। आज आज चलेगा मैकेनिक्स, जो चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण। तो घर्षण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिप्लोमा का कोर्स है और ये क्लास 11th में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्लास 11th, बोर्ड यूपी बोर्ड हो या फिर कुछ भी, कोई भी बोर्ड हो, तो क्लास 11th में ये फ्रिक्शन चैप्टर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। हमारा बहुत ही ज़रूरत है फ्रिक्शन की। ठीक है, तो फ्रिक्शन में होता क्या है, देखिए। ये अगर हम पेन चला रहे हैं, अगर ये ब्लैक, ये बोर्ड और इस इंक, यानी कि जो ये पेन की नोक है, ठीक है ना, ये मार्कर की नोक है, अगर इस दोनों में फ्रिक्शन नहीं होती तो ये पेन इस पर चलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फ्रिक्शन का यूज हो रहा है। अभी देख रहे हैं, ये हाथ रगड़ा जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दो सतह है, एक निचला सतह है, एक ऊपरा सतह है, ऊपरी सतह है। दोनों सतह एक दूसरे का, जो गति का, सापेक्ष गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि तू भाई इधर मत जा, और ये कह रहा है कि तू इधर मत जा। ठीक है ना, ये होती है फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जा करके वो क्या होती है, रुक जाती है। और भी हमारे लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे फ्रिक्शन का यूज है। जैसे हम दौड़ते हैं तो फ्रिक्शन हमें क्या करता है, आगे से रोकता है। अगर हम रुकना चाहते हैं तो पीछे से वो धक्का देता है। तो फ्रिक्शन जो है बहुत चालाक है। फ्रिक्शन क्या है, बहुत चालाक है, और वो दौड़ने में भी सहायता करता है और स्टॉप करने में भी, किसी व्यक्ति को रोकने में भी सहायता करता है। ठीक है, वो आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है। तो फ्रिक्शन बहुत ही चालाक है अपने आप में। फ्रिक्शन एक बहुत चालाक है। तो होता क्या है, देखिए, ये एक आपकी वस्तु है, कोई थिंग्स है। इसमें जो होता है फ्रिक्शन, जो होता है ऐसा खुरदुरा टाइप का होता है, ठीक है। ये एक थिंग्स है आपकी, कोई पार्ट है, कोई वस्तु है। और एक दूसरी वस्तु जो है, हम इसको दूसरी वस्तु एक ऐसे बना लेते हैं, ये एक दूसरी थिंग्स है। ठीक है, तो अगर हम इस पर इसको रख दें तो ये क्या करता है ना, ये है, मान के चलो ये क्रेस्ट है, स्रिंग, और ये गर्थ है। ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होती तो ये फिसल जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें फ्रिक्शन ना हो। ऐसी कोई ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, बहुत ही मिनिमम मात्रा में हो, लेकिन फ्रिक्शन जो होती है जरूर होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की बात समझ गए कि फ्रिक्शन जो होता है, उस क्रेस्ट होता है और एक वैली यानी कि गर्त होता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है ना, सतह जो ये क्रेस्ट है, ये जो है आपका क्रेस्ट है, तो ये होगा आपका वैली, ये गर्त, ये दोनों आपस में फंस जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लागू हो गया। समझ आ रहा है? अब क्या दे रखा है आपके, देखिए डिप्लोमा के चैप्टर में क्या दे रखा है। अब होता है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि अस्थायिक घर्षण और गतिक घर्षण, ये क्या होता है भाई? तो हम क्या कहेंगे, अस्थायिक घर्षण की परिभाषा सुने कि अस्थायिक घर्षण उसे कहते हैं। अस्थायिक घर्षण क्या होता है, यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर एक अस्थायिक घर्षण लगता है जो उसे रोके रखता है। ठीक है ना, जो उसे क्या होता है, रोके रखता है। जैसे पिंड को, कोई भी पिंड है, कोई वस्तु है, तो किसी पिंड की विरामावस्था में, पिंड पर लगने वाला बल जो होता है, पिंड पर लगने वाला घर्षण बल अस्थायितिक क्या होता है, अस्थायितिक घर्षण कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसे मैं मिटा देता हूँ, अस्थायितिक घर्षण। अस्थायितिक घर्षण में होता क्या है, इसको हम FS से
इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ एस, तो जो अब पिंड विरामावस्था में हो तो एफ एस जो होता है वो बल के ही बराबर हो जाता है। एफ एस जो होता है विरामावस्था में हो पिंड, तो एफ एस जो होता है वो बल पर के बराबर ही हो जाता है। अब आती है आपके काइनेटिक घर्षण, किसी बस किसी पिंड की गति करने की अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक घर्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, एफ के से इंडिकेट करते हैं, इसको हम गतिक घर्षण, गतिक घर्षण यानी कि इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये समझ में आया आपको? अब देखिए, किसी वस्तु पर, कोई एक वस्तु ले लीजिए, कोई पिंड ले लीजिए या वस्तु ले लीजिए, पिंड ले लिया हम, ये है आपका समतल, इस पर हम कोई, इस पर इसका जो भार होगा, मान लीजिए कोई इसका भार है 50 न्यूटन, ठीक है, इसका भार 50 न्यूटन है। अब हम यहाँ से बल लगाते हैं, बल क्या लगाते हैं, एफ बल लगाते हैं, और ये क्या होता है, यहाँ पर म्यू एस काम करेगा, म्यू एस किधर काम करेगा, इधर काम करेगा या फिर इधर, तो इसको क्या करेगा, जो फ्रिक्शन होता है रोकता भी है और धकेलता भी है। कैसे, तो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर रोकेगा, कहेगा कि भाई तू अभी वस्तु है तो मत चल, ठीक है ना। तो ये म्यू एस जो होगा अपना, म्यू एस जो होगा इधर की तरफ लगेगा, ये म्यू एस है, ठीक है ना। तो जब बल लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, तो क्या होगा, हम बल लगाते जाएंगे, मान लीजिए हम 1 न्यूटन लगाए, वस्तु क्या चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि इसका भार ही है 50 न्यूटन और इसका म्यूएस भी तो कुछ होगा, ठीक है ना। हम 2 न्यूटन लगाए, 3 न्यूटन लगाए, 4 न्यूटन लगाए, बल लगाते गए लगाते गए लगाते गए, 40 न्यूटन लगाए, 45 न्यूटन लगाए, 48 न्यूटन लगाए, ठीक है ना। अब इसके बाद 50 न्यूटन लगाया, अगर फ्रिक्शन ना हो, मान के चले कि हम, अगर हम फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, 50 न्यूटन बल लगाएंगे तो ये सिर्फ चलेगी नहीं, सिर्फ चलने की अवस्था में होगी, ठीक है ना। तो एक आता है चलने की अवस्था में जो होता है वो होता है आपका सीमांत घर्षण, ठीक है ना। चलने की अवस्था में होता है जो, उसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण, ठीक है ना। तो किसी किसी पिंड पर हम बल लगाते जाए, बल लगाते जाए, और एक ऐसा टाइम आएगा जिस पर वह वस्तु चलने ही वाली होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण कहेंगे। समझ में आ रहा है, सीमांत घर्षण। कोई पूछेगा सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यदि किसी इंग्लिश वाले आदमी को कुछ डिस्टर्ब हो रही होगी तो आप समझ लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। यदि किसी पिंड पर हम बल लगाते गए लगाते गए और वो वस्तु चलने ही वाली होती है तो उस टाइम जो उस पर फ्रिक्शन कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और उस बल से, इस बल से और अधिक बल लगा दे, ठीक है ना, और अधिक बल लगा दे, वो वस्तु क्या होगी, जिस समय वो चलने वाली होती है उससे और अधिक बल लगा दे, मान लीजिए ये वस्तु जो है एफ इजकल टू 60 न्यूटन पर ये वस्तु चलने लग रही है, ठीक है, और एफ इजकल टू 50 न्यूटन पर ये वस्तु नहीं चल रही है, ये पिंड नहीं चल रहा है, तो इस टाइम ये एक सीमांत घर्षण कार्य करेगा, एफ एल कार्य करेगा, ठीक है ना, एफ लिमिटिंग, एफ एल कार्य करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण कहेंगे। अगर ये 60 न्यूटन का बल लगाए और वस्तु चलने लगी, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, जब वस्तु चलने लगी
तो उसे क्या कहेंगे, एफ के, गति घर्षण, गति घर्षण। जब वस्तु नहीं चल रही है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जब वस्तु चलने लगे, ठीक है, जब वस्तु चलने लगे तो ये होगा आपका गति घर्षण, वहां पर कार्य करेगा। जब वस्तु न चले, जब वस्तु न चले तो वहां पर होगा एफ, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस इसको कहते हैं, अस्थैतिक घर्षण। समझ में आ रहा है? अब जब वस्तु चलने ही वाली होती है, बल लगाते गए लगाते गए, लगाओ लगाते गए, और वस्तु चलने ही वाली होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब वस्तु चलने वाली होती है, यानी कि चलने वाली हो, तो उस वहां पर जो लगेगा फ्रिक्शन जो लगेगा, एफ लिमिटिंग लगेगा, एफ लिमिटिंग यानी कि सीमांत घर्षण। नोट करें, इसको नोट कर लें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करें जल्दी जल्दी। चलिए मैं मिटा रहा हूं। अब जो आपकी टॉपिक आएगी, घर्षण के नियम, ठीक है ना, घर्षण के नियम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, पुस्तक में घर्षण के नियम, घर्षण के नियम क्या क्या होते हैं भाई, थोड़ा देख ले, ठीक है। घर्षण का नियम जो होता है, घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल का मान अभिलंब, अभिलंब जो प्रतिक्रिया बल का होता है, आर का अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे हम घर्षण गुणांक हम देख लेते हैं, यहाँ पर पहले घर्षण गुणांक देख लेते हैं। घर्षण गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं घर्षण गुणांक। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं हम घर्षण गुणांक, ठीक है ना। तो घर्षण के प्रथम नियम से जो होता है, प्रथम नियम आप नोट कर लीजिए, प्रथम नियम जो होता है घर्षण का, घर्षण बल का मान अभिलंब, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। सेकंड नंबर, अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, घर्षण बल की दिशा पिंड के सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल की दिशा जो होती है, पिंड के सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में होती है। समझ आ रहा है? अब देखिए थर्ड नंबर, घर्षण बल का मान सतह की रुक्षता पर यानी कि रफनेस पर निर्भर करता है। तीन नंबर जो है, घर्षण बल जो है सतह की रफनेस, यानी कि रफनेस यानी कि रुक्षता पर निर्भर करता है। ठीक है, चार नंबर को जो है घर्ष, आप देखिए एक दो तीन हो गया, ठीक है ना। घर्षण बल का मान जो होता है सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है,
वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा कि घर्षण बल वहाँ पर कितना लगेगा, ठीक है। तो ये भी लिख लें, चार नंबर हम क्या लिखें, घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। और देखिए पांच नंबर जो है, घर्षण बल का जो मान होता है वो फिलहाल पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। तो ये जो होता है घर्षण बल का मान, पांच नंबर, घर्षण बल का मान पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करता। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका ये जो हो गया है, ये जो है घर्षण बल के नियम है, ये जो है आपके घर्षण बल के नियम है। आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एफ इजिकल टू म्यू एस इंटू आर होता है। चलिए नोट कीजिए, अगर आपका मन पढ़ने का मन हो तभी पढ़े, ठीक है। ये ना हो कि आप किताब खोल के रख लें और कोई आपके पिताजी आपके माताजी आ रहे हैं तो बोलेंगे कि हाँ पिताजी मैं पढ़ रहा हूँ, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। डेली आप किताब खोल के सिर्फ बैठे 2 से 3 घंटे तो, और कुछ पढ़ने का माइंड में फिक्स ही ना हो और मन ही नहीं कर रहा हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब पढ़ने का मूड करे, आपका माइंड करे, तभी आप पढ़ें, ठीक है। पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होनी चाहिए अपने अंदर, तभी आप कुछ कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो हो गया, ये बात ही मत सुनो, लिखा भी करो। हाँ नोट कर लिए, चलिए मैं भी इसे मिटाता हूँ। अब दादा इसका काम जो है आपका ख़त्म हो गया। अब आता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। तो प्रथम नियम हमने क्या बताया था घर्षण के नियम में, कि घर्षण बल का मान जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हम जो प्रथम नियम से लिखेंगे घर्षण बल के, वो नियम आपको बताया था ना घर्षण के नियम। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इतना समझ में आ रहा है? तो अगर प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे तो क्या होगा, एफ इजिकल टू एक एनी कांस्टेंट आ जाता है म्यू एस इंटू आर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर म्यू एस नहीं, म्यू इंटू आर लिख ले, क्योंकि एस लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, एल लगाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और के लगाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ इजिकल टू म्यू एस इंटू आर, ये आप नोट कर लीजिए, जहाँ म्यू क्या है, एक नियतांक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ जो है म्यू एक नियतांक है, म्यू जो है एक नियतांक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, तो हम क्या करेंगे ना, म्यू का घर्षण गुणांक यानी कि म्यू, तो घर्षण गुणांक का यहाँ पर हम निकाल लेंगे, घर्षण गुणांक जो म्यू होता है इजिकल टू क्या होता है, म्यू यहाँ से निकालेंगे तो एफ अपन आर। समझ में आ रहा है?
म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वन आर। नोट कीजिए, इसको हम बोल सकते हैं कि घर्षण बल का जो मान होता है, घर्षण गुणांक का जो मान होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल F, ठीक है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सॉरी घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुपात के बराबर होता है। घर्षण गुणांक किसे कहते हैं? तो घर्षण गुणांक का मान जो होता है ये है क्या क्या है, ये जो है आपका, ये जो है घर्षण बल है और ये जो है आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। क्या है? ये जो है घर्षण बल और ये जो है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो आप बोल सकते हैं कि घर्षण गुणांक का मान घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात के बराबर होता है। जो इसकी बीमा जो होती है, बीमाहीन होती है, ये जो होता है बीमा विहीन भौतिक राशि है, ये म्यू का कोई बीमा नहीं होता, मात्रक नहीं होता, बीमा नहीं होता, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको तीन घर्षण बल बताया था, एफ एस, एफ एल और एफ के, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू आर, समझ में आ रहा है, एफ एस जो होगा म्यू एस इंटू आर, ठीक है ना, म्यू एस जहाँ का है, क्या है, अस्थैतिक घर्षण गुणांक है, ठीक है ना, अस्थैतिक घर्षण गुणांक है म्यू एस, ठीक है ना, और एफ एस जो है घर्षण बल है, अस्थैतिक घर्षण बल, और आर जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, मैं एक में लिख दे रहा हूँ, ये जो है म्यू एस, वेयर म्यू एस इक्वल टू अस्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब देखिए, और एफ एस जो है अस्थैतिक घर्षण बल, और आर जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है, नोट कीजिए। इसी तरह मैं एक और बता दे रहा हूँ, एफ लिमिटिंग जो होगा, एफ एल लिखते हैं, एफ लिमिटिंग जो होगा म्यू एल इंटू आर, ये जो होगा आपका, ये जो है क्या आपका अस्थायितिक घर्षण गुणांक में, ये है आपका अस्थायितिक घर्षण गुणांक, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सीमांत घर्षण गुणांक, और एक होता है एफ के यानी कि गतिज घर्षण बल इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये क्या होगा म्यू के इंटू आर, ये है गतिज घर्षण बल इजकल टू गति घर्षण गुणांक इंटू अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नोट कीजिए। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, आए
मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम्हें यार प्यार बन के आई हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। देखिए, एक मैं क्राफ्ट बना रहा हूँ सिंपल में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। एक है यहाँ पर, एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हम बाहुबल इफ लगा रहे हैं, ठीक है। पिंड का भी कोई अपना भार होगा, पिंड का भी कोई अपना भार होगा, वो क्या होगा देखिए। अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये होगा mg, और ये होगा ऊपर की तरफ r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ जो होगा, ये यहाँ पर घर्षण बल कार्य करेगा, एफ जो होगा इधर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है ना। एफ जो घर्षण बल कहेगा कि इसको चलने दे, इस वस्तु को चलने न दे, ठीक है। जहाँ एफ जो है, ए फिजिकल टू घर्षण बल, ठीक है। आर ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल, आर इजक्वल टू होता है mg, समझ आ रहा है। अब देखिए एक बाह्य बल व घर्षण बल के मध्य एक ग्राफ बनता है, बाह्य बल और घर्षण बल के मध्य एक ग्राफ बनता है, उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यह है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो है एफ हम दिखा रहे हैं घर्षण बल, एफ घर्षण बल है, और इधर के हम बाह्य बल दिखा रहे हैं कैपिटल एफ। ये हो गया घर्षण बल, ये हो गया बाह्य बल, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो पहले क्या होता है, वस्तु जब इस तरह बल लगाते जाते हैं, तो घर्षण बल इस तरह कार्य करता है। एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वस्तु जो होती है चलने ही वाली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एफ एल लग जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एफ एल लग जाएगा। ये पॉइंट हम इसको ए मान ले, और जब गति होने लगती है तो थोड़ा सा नीचे आ करके और ये गति करने लगता है, ठीक है ना। ये गति करने लगता है पॉइंट सी तक। ये हो गया आपका बी, थोड़ा सा ए से जो होता है थोड़ा सा बी पॉइंट पर नीचे आके वो गति करने लगता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कम जब गति करती है ना कोई पिंड, तो उस पर थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एफ लिमिटिंग से कम लगता है, समझ में आ रहा है। वो आप नोट कीजिए। और ये जो थीटा होता है यहाँ पर 45 डिग्री, नोट कीजिए। चलिए आइए, कुछ मैं आपको, मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैं बुक से देखकर आपको लिखवा रहा हूँ, विभिन्न सतहों के मध्य घर्षण गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, विभिन्न विभिन्न सतहों के मध्य घर्षण गुणांक, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पदार्थ, ठीक है ना। यहां पर होता है मीवेस, लिख दे रहा हूं, छोड़िए यहां पर लिख दे रहा हूं मीवेस। तो कुछ मैं
वस्तु का घर्षण गुणांक मैं आपको बताऊंगा जो नोट्स है और वो प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया है। तो देखिए टेफ्लान तथा टेफ्लान में, टेफ्लान समझते होंगे, टेफ्लान तथा टेफ्लान में जो म्यूएस का वैल्यू होता है वो 0.04 होता है, ठीक है ना। बर्फ तथा बर्फ में मैं आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जिस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ऐसा ब्रह्मांड में कोई पिंड बना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए बर्फ तथा बर्फ में 0.10 कुछ ना कुछ घर्षण गुणांक जरूर होता है, ठीक है ना। लकड़ी तथा लकड़ी में क्या होता है 0.35। इसी तरह आप नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं नोट करवा दूँ। स्टील तथा पीतल में जो होता है 0.35 होता है। इसी तरह पत्थर तथा धातु में जो होता है 0.40 होता है। लकड़ी तथा धातु में जो होता है 0.40 होता है। स्टील तथा स्टील में जो होता है 0.60 होता है। कांच तथा कांच में होता है 1.0 होता है। सूखी सड़क तथा रबर टायर में जो होता है 1.0, और सबसे अधिक जो होता है तांबे में जो होता है 1.6 घर्षण गुणांक जो होता है 1.6 होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम घर्षण कोण की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और मैं इसको प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये आपके डिप्लोमा में लगभग 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पर हमने एक वस्तु रखी, एक पिंड रखी, ठीक है। यहाँ पर इसका केंद्र है, ठीक है। इस पर जो है R इस तरह कार्य करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसका जो नीचे होगा R इक्वल टू होता है mg, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने वो लिया और इसको हमने क्या किया, इस तरह खींच दिया। इसको हमने लेकर आया यहाँ तक और इसको लेकर आया यहाँ तक, इन दोनों को हमने मिलाया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच जो कोण है आपका लेमडा है, और इसको हमने सी मान लिया और इसको हमने धीरे 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 डॉट डॉट करके मिलाया और इसको माना हमने ए, ठीक है। इधर की तरफ बल कार्य करेगा, अगर इधर की तरफ हम फोर्स लगाए, खींचे, स्पिंड को खींचे, तो इधर की तरफ जो लिमिटिंग ये घर्षण बल कार्य करेगा इधर की तरफ, समझ रहा है। अस्थायी घर्षण बल लिख लेते हैं, अभी वस्तु चल नहीं रही है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब बाह्य बल का मान जो होता है सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाए और यदि सदिश OC, सदिश जो है आपकी OC जो है, ठीक है ना, सीमांत घर्षण बल FS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है R का परिणामी हो, ठीक है ना। सीमांत, देखिए क्या होता है OC सीमांत घर्षण बल FS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के परिणामी हो तो OC तथा R के मध्य, तो क्या होता है OC तथा R के मध्य जो होता है, R के मध्य बनने वाला कोण जो होता है घर्षण कोण
कहलाता है। आप देख सकते हैं घर्षण कोण क्या है, लेमडा। क्या एक बार फिर सुन ले कि ये एक सदिश OC जो है सीमांत घर्षण बल FS, सीमांत घर्षण बल FS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के परिणामी हो। ये परिणामी हमने दिखाया, यदि सदिश OC सीमांत घर्षण बल FS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के परिणामी हो तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R तथा ये जो है सदिश OC के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम अस्थायित्व, इसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक आपका बना बन गया समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है ना, तो चतुर्भुज हम क्या करेंगे, OAC और एक हम यहाँ पर ले लेंगे B। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चतुर्भुज OACB में। ठीक है ना, चतुर्भुज OACB में। ठीक है, BC बराबर क्या होगा, यहाँ पर BC बराबर OA होगा, लिख सकते हैं BC बराबर OA। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, OA है बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको FS लिख सकते हैं, OA जो है आपका FS है। ठीक है ना, चूंकि त्रिभुज OBC में हम क्या देखेंगे, त्रिभुज OBC में हम लगाएं तो टैन थीटा का लगाएं, टैन लेमडा लगाएं, त्रिभुज का लगाएं, त्रिभुज क्या होगा, OBC में टैन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन लेमडा जो होगा आपका BC अपान क्या होगा, OB होगा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो क्या होगा, लंब क्या है, BC बटा आधार OB इक्वल टू लिख सकते हैं BC बटा OB। समझ में आ रहा है, ये आपका दो नंबर का फिक्स है आता है, आप नोट कर लीजिए जनाब, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम BC को क्या लिखेंगे, BC को हमने क्या लिखा, FS इक्वल टू हम FS लिख सकते हैं। OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB को लिख सकते हैं हम R। ठीक है, तो अब क्या होगा, परंतु हम जानते हैं FS इक्वल टू होता है μS इंटू R। ठीक है ना, FS जो होता है μS इंटू R होता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, tan लेमडा इक्वल टू FS के जगह पर क्या लिखेंगे, μS इंटू R अपान R। ठीक है, तो R से R कैंसिल हो गया, अब क्या लिखेंगे, जब R से R कैंसिल हो जाएगा तो tan लेमडा जो होगा आपका इज इक्वल टू μS के बराबर हो जाएगा। यही होता है आपका अस्थायित्व घर्षण गुणांक का मान जो होता है घर्षण कोण के टैंजेंट के बराबर होता है। टैंजेंट का मतलब tan थीटा के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनो, अस्थायित्व घर्षण गुणांक का जो मान होता है उसके टैंजेंट के मान घर्षण कोण के जो होता है टैंजेंट के बराबर होता है। ठीक है, अस्थायित्व घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण के टैंजेंट के बराबर होता है। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, ये इसका मतलब ये मत समझना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ये हम लोग का टाइम नुकसान कर रहे हैं, ये मैं टाइम नहीं नुकसान कर रहा हूँ जनाब, आपको याद करवा रहा हूँ, आप याद कीजिए, इसे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अगले जो ये वीडियो बस इतना ही तक रखते हैं, अगले आपके लेक्चर जो होगा मेरा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा विश्राम को, एंगल ऑफ रिपोज मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, लेक्चर इसका जो टू आएगा आपका, लेक्चर जो टू होगा आपका
इसमें जो फर्स्ट मैं पढ़ाऊंगा एंगल ऑफ रिपोज, सेकंड जो पढ़ाऊंगा टॉपिक घर्षण शंकु के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आपके टॉपिक में है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब समझते होंगे, विश्राम को। और थर्ड जो पढ़ाऊंगा आपका, थर्ड है क्या आपके कुलाम्ब के घर्षण के नियम, ठीक है ना, कुलाम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्थ जो पढ़ाऊंगा रोलिंग घर्षण पढ़ाऊंगा आपको। और फिफ्थ जो टॉपिक होगा आपका कुछ क्वेश्चन पर बेस्ड घर्षण के लाभ तथा हानि थोड़ा सा बता दूंगा कि घर्षण के भाई क्या लाभ है। घर्षण के लाभ होता है तो उसके हानियां भी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक का सबसे ज़्यादा हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का सबसे ज़्यादा हानि लाभ है तो सबसे ज़्यादा हानि भी है, मोबाइल का सबसे ज़्यादा लाभ है तो सबसे ज़्यादा हानि भी है, तो इसी तरह घर्षण बल का सबसे ज़्यादा लाभ भी है तो सबसे ज़्यादा हानि भी है। अगर इसका सही यूज करें तो सही होगा और गलत यूज करेंगे किसी भी चीज़ का तो उसका गलत परिणाम आएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको रुक्ष छायती तल पर फिसलने तथा लुढ़कने का प्रतिबंध जो होगा, इसके बाद रुक्ष नत्र तल पर फिसलने तथा लुढ़कने का प्रतिबंध यानी कि कंडीशन फॉर स्लाइडिंग एंड टॉपिंग ऑफ राइट रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आप अच्छे से पढ़िए और डिप्लोमा की अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सके और आप एक अच्छा से अच्छा इंजीनियर बन सके और अपने आप और अपने देश की सेवा कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।